क्या हो गया? तो धोखे से मुझको लाए दिया बाद में, माफ तुमको करेगा कभी ना खुदा। अच्छा, माफ खुदा नहीं करेगा और तेरा अरमान पूरा ना हो। जंगल में लाए हैं तो लाए तुझको और यहां मारने के लिए। तो लाया तुझको यहां मारने के लिए, मेरी राहों का काटा है तू जान ले। मुझे मारने के लिए लाए हैं? जी हाँ, तभी तो तेरे बाप का ताजवा तक हमें मिलेगा। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? तो आप क्या कह रहे हैं मंत्री चाचा मेरे? बनाने लगे और आपको मैं पिता की तरह मानता। चलता हूं राज दरबार, महाराज को कोई झूठी बात बता दूंगा और वहां का ताज तक मैं ले लूंगा। सामने से किसी की आने की हट हो रही है, चलते नहीं मुझे देख लेगा। पानी
रामो जी महाराज मैं क्या प्यावा जंगल में कराने की आवाज आ रही है जी महाराज आओ देखते हैं क्या है महाराज पानी 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 हमें लगता है इसे किसी ने धोखे से मार दिया है आओ इसे ले चलते हैं सबसे पहले इसका सवाल करेंगे उसके बाद इसका हम पता लगे क्या इसके साथ क्या हुआ है आइए पानी रामदेव आज बहुत घबराए लग रहे हो ऐसी गुस्ताखी नहीं करना महाराज बस आपके इंतजार में खड़ा है सभी मैं जान गया हूँ ठीक है बैठिए महाराज प्रताप सिंह महाराज मैं क्या देख रहा हूं सबका चेहरा लिखा हुआ और खाली हाथ नहीं महाराज सुल्तान सिंह को पकड़ कर ला करके महल के बाहर बांध दिया गया है इजाजत हो तो आपके कदमों में पेश करूंगा शाबाश मेरे शेर उससे जितनी जल्दी हो सके मेरे सामने पेश किया जाए मैं देखने के लिए बहुत उतावला हूं सुल्तान सिंह प्रताप सिंह ये कितने सैनिक मार डाला हजारों सैनिकों को मार डाला महाराज हजारों सैनिकों को जी हाँ ये मेरा खौफ नहीं खाया और मेरे रियासत में आकर इसने हाहाकार मचा दिया इसकी सजा मिलेगी से और बराबर मिलेगी और डाकू चोर नहीं आया और मेरे सैनिकों को इतना मारा कम से कम 200 मर चुके और घायल सुल्तान सिंह
नापत प्रताप सिंह, इससे बराबर मौत की सजा मिलना चाहिए। ये कहता था इसको मुझे जान से मार दे। मैंने कहा कि मैंने महाराज को वचन दिया है, नहीं तो तुम्हें हम यही हिंदुस्तान का मिट्टी का कफन बनाकर हम ढक देते। लेकिन मजबूर था सुल्तान सिंह, एक ख्वाहिश तेरी बहुत जल्द पूरी होगी, इसे तुरंत इतना मारो कि सलाह कबूल दे और दोबारा इस रियासत पे नजर उठाने का कोशिश किया। महाराज, आपने हमारी पर्ची पूछा है, हाँ जरूर बताऊंगा कहां का रहने वाला है। वतन मेरा यूनान है, जंगल का शेर, वतन मेरा यूनान है, जंगल का शेर, और फांसी तो फांसी मेरी करो न पलटी। चाहता हूं हो मेरा नाम सुल्तान सही, मेरा नाम सुल्तान सही मैं बताया, यही आपसे तो कर है गुजारिश, यही आपसे तो कर है गुजारिश, पता मैंने तुमको सही हमारे रहते हुए उदयनगर को शमशान नहीं बना सकता। सेनापत, मेरी बात सुनो, ये बेईमान को जिंदा में डाल दो, इसकी फांसी होगी जरूर होगी। महाराज, इसको जिंदान में डालना ठीक नहीं है। सुनो, मेरे ख्याल से इसे तत्काल फांसी दे दी जाए। नहीं, सेनापति डाल दो इसको जिंदान में। Oh,
महाराज कहिए, या खाकसार भी आपसे कुछ कहने की इजाजत चाहता है। क्या कहना चाहते हो? तो सांप का फन कुचल देना ही ठीक है। सांप का फन जेल में इसको रखना मुनासिब नहीं, फांसी इस वक्त दीजिए ऐ महाराज है। प्रताप सिंह तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं किसकी फांसी कल दोपहर में होगी। और महाराज सारे नगर में इसकी फांसी कल दोपहर में होगी, या कि कल दोपहर में इसकी फांसी की तारीख आप मुकर्रर करेंगे? नहीं, इसकी फांसी कल होगी। ठीक है महाराज। और सारे नगर में ढिढोरा पिटा दो। बहुत अच्छा। जिसको देखना चाहता है वो देख सकता है, क्योंकि कितने ही को विधवा बना दिया, कितनी माँ को निपुति बना दिया, वो देखकर इसका जब फांसी पर चढ़ेगा तो उनका कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये चाहता दरबारी इसे ले जा करके बैरक नंबर 12 में डाल दो। बात पहले सुन लो, इसे जैसे खाना पीना नहीं देना है तो क्या देना है? खाना पीना नहीं देना है इसको, न खाना न पीना कुछ नहीं देना है। अच्छा खैर, मौसम्बी जूस, मौसम्बी का जूस जैसे मुनक्का है, छुहारा है, बादाम है, ये सब सब ये बताओ। अच्छा कहीं का कि तुम गरीब मुनक्का छुहारा बादाम खाते हो? हमका कहा मेरा साहब, सौरिम नहीं खावा। क्या तुम सौरी बैठे थे क्या? नहीं, मेहरबा के साहब लड़का हुआ तो हम तो खाई रहा है। अच्छा, ऐसा है, जैसे से भोजन के लिए पूछ रहे हो, जैसे आम कैदियों को भोजन मिलता है वैसे ऐसे भी दिया जाएगा। और दिन भर में कम से कम 3 बार लेटरिन करवाना, खाना एक टाइम नहीं देना। और हाँ, इसके ऊपर कड़ा पहरा होना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की, गुस्ताखी की, तो उसे सजाए मौत मिलेगी। साहब आपके हुक्म का पालन हम लोग जरूर करेंगे। ले जाओ, आओ। महाराज अब तो डॉक्टर सुल्तान सिंह सलाखों के पीछे हो गया है। हाँ, मैं चाहता हूं मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी जाए। 1 हफ्ते की छुट्टी? जी हाँ। वैसे प्रताप सिंह महाराज, मैं चाहता हूं जब तक इसकी फांसी नहीं होती आपको छुट्टी देना वाजिब नहीं है। महाराज आपका हुक्म शराखों पर। अभी किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं, अगले अगले मंगल का हमारे अम्मा का बर्थडे है। अच्छा ठीक है, बर्थडे नहीं होगा, देखो 13वीं होगी। अच्छा हाँ, वही 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 वही। जब हम तुम चले गए थे सुल्तान सिंह को पकड़ने, तो तुम्हारे पास खबर आई थी? खबर आई थी भाई। तो 13वीं है वो? अच्छा हाँ, 13वीं हुए हम। तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले सुल्तान सिंह की फांसी हो जाएगी। नहीं, हमका जरूरी है, नहीं तो हम मजाक से कहे हैं कि देखो लौंडा हमारे बर्थडे में नहीं आवा। ठीक है ठीक है, चले जाना, लेकिन कल के बाद छुट्टी मिलेगी। महाराज आप सब चलिए होंगे, अपने अपने शयन कक्ष में आराम कीजिए। आप चलिए आराम कीजिए, आपका हुक्म शरण हो, क्योंकि बहुत थके हैं। महाराज जी
प्रणाम। न जाने क्या बात है। क्या बात है महारानी जी? मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। और अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। आप चिंता नहीं कीजिए, रह रहकर मेरा जी घबरा रहा है। क्योंकि महामंत्री साथ गए हैं और उनसे बता दिया है मैंने कि शाम होने से पहले दरबार में आ जाना। वो आते ही होंगे, बैठो इंतजार किया जाए। जी महाराज। क्या बात है, तुम तन्हाए और चेहरा उदास। क्या बताऊं महाराज, बहुत अफसोस की बात है, कहते हुए डर लग रहा। सुनो कि मैं आपसे कैसे कहूं महाराज। आप कचरा देखकर मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहिए महाराज। सुनो, मुखमंडल सूखा हुआ दे रही है महाराज। कहिए। कहते हुए डर लग रहा है राजन। इसमें डरने की क्या बात है, तो पड़ेगा महाराज। अगर आप नहीं कहेंगे जी तो मैं जानूंगा कैसे क्या हुआ। बताइए बताइए भैया क्या हुआ। तो बतलाओ सम्राट क्या, और दिल में राहराल और गंगा जी की लहर से अरे उठाए जब हम राजकुमार को लेकर मेले में पहुंचे तो राजकुमार जिद करने लगा कि चाचा जी सबसे पहले हम गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद हम मेले को देखेंगे। हमने कहा बेटे देर हो रही है, सिर्फ मेला देखो, राज दरबार वापस चलना है। लेकिन उसने कहा नहीं, पहले हम स्नान करेंगे। हमने कहा ठीक है। हम दोनों जैसे ही गंगा में प्रवेश किए, इतना तेज का तूफान आया कि पूरे मेले में अंधेरा छा गया। तो क्या हुआ? गंगा में इतनी तेजी की लहरें उठी कि राजकुमार का हाथ हमारे हाथ से छूट गया। तो उसके बाद जब अंधेरा समाप्त हुआ तो हम क्या देखते हैं कि राजकुमार की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई महाराज। भगवान तुमने क्या किया? अरे क्या गजब अचानक राम की धारे
मुझे पहले से यकीन था कि कुछ न कुछ असगुन होने वाला है। प्रणाम। और कुंभ मेले कुंभ मेले में भेजा था अपना पिसल।